ईस्टर क्या है और भारतीय संस्कृति से या हिंदू धर्म से ईस्टर का क्या सीधा सीधा कनेक्शन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार द्विज के नाम से पुकारा है, जिसका कि यह मतलब है कि जो दोबारा पैदा हुआ हो, जिसका जन्म दोबारा से हुआ हो। जिस प्रकार एक पक्षी पहले अंडे के रूप में पैदा होता है और फिर जब वह अंडे से बाहर निकलता है तो उसका दोबारा जन्म कहलाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य का सहस्त्रार चक्र खुल जाए और उसकी कुंडलिनी शक्ति उसके सर से ऊपर आ जाए तो उसे संस्कृत में द्विज कहा जाता है। यीशु मसीह भगवान जीसस क्राइस्ट ने आज से लगभग 2000 साल पहले ईस्टर के ही दिन सशरीर पुनर्जीवित होकर सभी मनुष्यों के लिए द्विज होने का रास्ता खोल दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि आत्मस्वरूप होने पे मनुष्य को मारा नहीं जा सकता। ईस्टर सांकेतिक रूप से मनाया जाता है अंडे को फोड़ के, मतलब कि मनुष्य का आत्म साक्षात्कार पाना, उसका सहस्त्रार चक्र खुलना। श्री माताजी निर्मला देवी की कृपा से आज लाखों करोड़ों लोगों का सहस्त्रार चक्र सहज योग ध्यान के द्वारा खुल रहा है। यह एक महान संगम है विश्व भर के लोगों का, विश्व भर के धर्मों का। आइए सीखते हैं सहज योग, सहज योग आज का महायोग।